तो सेक्शन ए में आ जाते हैं फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का ये रहेगा। रीडिंग स्किल है 12 मार्क्स, इसके फर्स्ट पार्ट है, रीड द पैसेज है, अच्छे से इसको आपको पढ़ना चाहिए अटेम्प्ट करने से पहले। और ये टॉपिक रहेगा डोनेटेड ऑर्गेन्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है वैसे तो। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो, और इस इनको पढ़ने के बाद ही इनके आंसर को अटेम्प्ट करें। ये इसका सेकंड हिस्सा है, ये देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ दिखाने की, ये देखिएगा और ये देखिएगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव भी कर सकते हैं, और ये देखिएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा इसमें लिखा हुआ है जो भी। चलिए, ये था इसका पेज नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेज नंबर 4 में जो पैराग्राफ लिखा है, पैसेज, उसको आपने अच्छे से रीड करना है। चलिए अब इन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी इस पैसेज में से आपने इसको पढ़ा है उनको पढ़ने के बाद ही इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का ए पार्ट, द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन, इसका जो राइट आंसर रहेगा चेन्नई। कॉरिडोर जो रहेगा फर्स्ट इंडिया में वो कहाँ क्रिएट किया गया, वो है इसका राइट आंसर चेन्नई। तो मैं ये इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 3 में इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय चेन्नई, तो ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं, इसके बी पार्ट में आ जाएं फ्रेंड्स। बी में लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेमिंग ए प्रपोजल टू एयरलिफ्ट कैडावर ऑर्गेन्स इज, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि एयरलिफ्ट करते हो ऑर्गेन्स को, उसका नाम क्या है, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम लिखा है। आप देख सकते हैं अच्छे से पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर ये नोटो लिखा है, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ये कैरी करता है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारे पास, ऑनरस टास्क दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन पैराग्राफ नंबर 1 इज, इसका राइट आंसर रहेगा टू कैरी द हार्वेस्टेड ऑर्गेन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेन होगा उसको कम से कम समय में, टाइम में कैरी करना होता है, तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा पैराग्राफ नंबर 1 में। तो ये शायद इसका आंसर रहेगा, दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हार्वेस्टेड ऑर्गेन एंड इन्वॉल्व द पुलिस एंड स्पेशली द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, आई थिंक यहाँ से इसका आंसर होना चाहिए। चलिए और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट एज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों नहीं हार्ट ट्रांसप्लांट पसंद करते हैं, क्या वो रिस्की है, क्या वो पेनफुल है, या कोई उसमें बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, या कोई उसकी कॉस्ट प्रोहिबिटेड है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर ये 4 होना चाहिए, कॉस्ट इज प्रोहिबिटेड, बिकॉज इसमें पैराग्राफ नंबर 7 में हम जाते हैं तो यहाँ कॉस्ट की बात हुई है। हार्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी महंगा होता है, 15-20 लाख बताया गया है प्राइवेट सेटअप के अंदर, और ये ही मुझे लग रहा है। बाकी आप जरूर इसमें यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, आपने कौन सा इसको राइट आंसर माना है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट कोज टू बिग हॉस्पिटल बिकॉज, मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट कोज टू बिग हॉस्पिटल बिकॉज, क्यों करते हैं, बिकॉज रेफर क्यों कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल में हार्ट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट। इसका आंसर जो होगा मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट, नहीं होते हैं हमारे जो लो लेवल पे हॉस्पिटल होते हैं जहां इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, तो यही होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आपने जो लिखा है जरूर इसका
रिव्यू ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है एफ, हर्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम ए बॉडी इज अलाइव ओनली फॉर, कितने घंटे तक ये हर्ट रह सकता है किसी बॉडी से निकाला गया, तो ये इसका आंसर है फोर आवर्स। ये वैसे भी हमें नॉलेज में होना चाहिए कितने घंटे तक हर्ट जो है रह सकता है जिंदा। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर है फोर आवर्स यहाँ लिखा हुआ, ये देखिए पैराग्राफ नंबर टू पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका जो ये राइट हैंड में जो पार्ट बच गया हुआ है इसमें लिखा है, ये देखिए, विच हैज़ टू बी हार्वेस्टेड एंड ट्रांसप्लांटेड विद इन फोर आवर्स और लंग्स, ये इसका फोर आवर्स होना चाहिए लंग्स, विच कैन बी प्रिजर्व फॉर ओनली 6 आवर वंस दे आर हार्वेस्टेड, तो यहाँ से इसका आंसर मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 पे हम आ जाते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, तो ये आपको कितने मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स। तो ये जो आंसर आपको ढूंढने हैं इसी पैसेज में से, तो ये 5 मार्क्स के इनकी वेटेज है, ये देखिएगा। तो पहला है व्हाट इज ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर क्या है, तो ये पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा हमें ग्रीन कॉरिडोर, इसको चेक करते हैं। ये देखिएगा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन बाय रोड इज रेफर्ड टू एज ग्रीन कॉरिडोर, मतलब पुराने टाइम पे ऑर्गन को हम जैसे भी रोड के थ्रू, रोड में जो व्हीकल चलता था उसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उस मेथड को हम ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स सेकंड में, व्हाई इज स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिट्राइव्ड ऑर्गन नेसेसरी, क्यों जरूरी है स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन, इसका आंसर भी फ्रेंड्स आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा, जहां ये लिखा है कि ये देखिएगा, स्मूथ एंड स्टडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड ऑर्गन की क्यों जरूरी है, मोस्ट ओकेजनली क्या होता है, या वेटिंग लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट, यहां से मिल जाएगा इसका आंसर, ऑर्गन टेंड टू हैव वेरी शॉर्ट प्रिजर्वेशन टाइम काफ़ी, और ये देखिए इसमें बताया गया है फॉर हार्ट का, ये बहुत जल्दी जो है हमें ट्रांसप्लांट करना होता है क्योंकि इनका जो लाइफ सेविंग का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को ये ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1.2 के थर्ड पार्ट में आ गए हैं, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द चेन्नई पुलिस विद रिगार्ड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड हर्ट, तो इसमें चेन्नई पुलिस का क्या रोल है, ओपिनियन है इस ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसको भी हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा उसका आंसर, इसमें पैराग्राफ नंबर 3 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा, चेन्नई पुलिस जो है ये कोई इंसिडेंट बताया होगा सितंबर 2008 में, और वो टास्क मिलता है एम्बुलेंस को पहुंचने में उसके डेस्टिनेशन प्लेस में, तो ये टाइम पीक आवर्स ट्रैफिक का रहता है 11 मिनट का, तो ऑर्गन को ये बताया गया है बचाना होता है बच्चे को, तो ये सब इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ए फ्यू गोल्डन आवर्स, इसका क्या मतलब है ऑथर के हिसाब से, तो ये पैराग्राफ नंबर हमें 5 में मिलेगा, देखिएगा पैराग्राफ नंबर 5 क्या कहता है, तो यहाँ से देखिए इसका आंसर मिल जाएगा, सो ट्रांसप्लांट शुड बी डन विद इन ए फ्यू गोल्डन आवर्स, तो ये कैडावर ऑर्गन है विच इज शोर लाइन, इनके जो ऑर्गन्स पार्ट होते हैं कुछ नाम है, इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तो इस पीरियड को हमें ट्रांसप्लांट करने के लिए जो भी ऑर्गन होते हैं जल्दी से जल्दी हमें उनको सेव करना होता है, ऐसा ही इसका कुछ मतलब निकल रहा है। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं, हाउ मच डज ए हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट ए पेशेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, में कितना इसका कॉस्ट जो है अफोर्ड करना पड़ता है, तो ये देखिए लिखा है पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर मिल जाएगा इसका आंसर, 15 से 20 लाख, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर बताया, इसमें कॉस्ट बताया है। आई होप फ्रेंड्स ये ऐसे ही कुछ इसके आंसर आपने जरूर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1.3 इसका पार्ट है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, इसका पैराग्राफ नंबर में से इसमें वर्ड का हमें आंसर ढूंढना है जिनका लगभग इसमें गिवन जो पैराग्राफ नंबर हैं उनमें इसका मिल जाए, मैच कर जाए। तो नंबर 1 है फ्रेंड्स यहाँ पे सेव, तो इसका पैरा नंबर 1 में हमें ढूंढना है इससे मिलता जुलता, प्रिजर्व
मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये है पैरा नंबर फर्स्ट, इसमें सेव का मतलब प्रिजर्व करना, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है अचीव्ड कैरिड आउट, पैरा नंबर थर्ड में मिलना है, तो इसका आंसर अकॉम्प्लिश्ड है। मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से, पैरा नंबर थर्ड, ये देखिएगा पैरा नंबर थर्ड, व्हेन दे अकॉम्प्लिश्ड, ये लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपने ये कर लिया है तो हम बात करते हैं यहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज क्वेश्चन नंबर टू में, ये पैसेज आपको फिर से रीड करना है, रीडिंग स्किल का है, बात हो रही है यहाँ। ये देखिएगा, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ले लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो देख सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका अगला पार्ट है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, ये देखिएगा। और ये चलिए इसको अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार फिर से, इसको रीड करना है ध्यान से समझ के और उसके बाद इनके आंसर लिखने होते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा, चलिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसको समझ लिया हो। तो यहाँ देखिए इसमें इन सभी जितने भी हमारे पास पॉइंट्स, फाइव पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको पढ़ना है पहले। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक नोट ऑफ नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हैडिंग सब हैडिंग, मतलब क्या है, नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है जो भी आपने इसमें से पढ़ा है समझा है उसके अकॉर्डिंगली, और उनकी एब्रीवेशंस मिनिमम फोर आपने यूज़ करनी है, यूज इसमें रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस आपने यूज़ करनी है और फॉर्मेट तैयार करना है जो भी आपको अच्छा लगे, सप्लाई ये सूटेबल, और उसके ऊपर एक टाइटल भी लिखना है। तो ये चार मार्क्स का आपको इसमें वेटेज रहने वाली है, और जितना भी आपने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो भी इसमें पैसेज में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसकी आपने एक क्या बनाना है, समरी बनानी है, और 80 वर्ड्स में लगभग इसमें आपको लिखना है और इसके भी आपको चार मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए आई होप ये भी आपने अच्छे से किया हो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये इसका सेक्शन बी आ जाता है जो कि राइटिंग स्किल का है। तो 30 मार्क्स इसमें मेंशन है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया था। यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का आपको, सॉरी 50 वर्ड्स का आपको लिखना है लगभग इसमें, ये देखिएगा। और क्या लिखा है, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल फंक्शन ऑफ गुडविल पब्लिक स्कूल नोएडा, ठीक है। मतलब क्या, एक इनविटेशन में आपको एक इनविटेशन मिला था और उसको आप संबोधित करना था एनुअल फंक्शन, जो कि इस स्कूल का नाम नोएडा में बताया गया है कोई सा गुडविल, और क्या करना है इसमें, लेकिन तुम्हें मतलब क्या होता है, अर्जेंट कोई काम पड़ जाता है तो इनविटेशन को डिक्लाइन करना है, मना करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मल लेटर लिखना है उसके लिए, और आप क्या हो ये मान के चलो, ये MDB इंटरनेशनल स्कूल है कोई, उसके सेक्रेटरी हो। तो आगे ये इसमें ऑप्शन है, आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं, फ्लैट का है कोई सीन, यहाँ कोई फ्लैट जो है हमें आपको ख़रीदना है ये है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट लिखनी है क्लासिफाइड कॉलम में जो कि लोकल न्यूज़पेपर है, ये सब है उसमें, आपको ये चाहिए रिक्वायरमेंट, ये सब बताया गया है कितना कितना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है 50 मार्क्स का। चलिए शायद बहुत अच्छे से आपने किया होगा, आई होप सो। और ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ बताया है नाम, फ्लैट नंबर किसी का ये, और लास्ट मंथ क्या होता है, आप एक VIP वॉशिंग मशीन को परचेज करते हो और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है मुंबई में कोई, और मशीन जो है काम नहीं कर पाती है अच्छे से, अनबियरेबल नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो स्पिनर है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो सेल्स मैनेजर को कंप्लेंट लेटर लिखनी है, लेटर लिखना है और उसमें कंप्लेंट करना है मशीन के बारे में, और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं ऐसा आप मान सकते हो, और गारंटी पीरियड जो है उसका चल रहा है, तो ये सब उसके बारे में लिखना है। लेकिन ध्यान रहे ये आपको 50 वर्ड्स का नहीं लिखना है, 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक इसको आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स इसमें चाहिए तो। 6 मार्क्स की इसमें वेटेज रहने वाली है, और ऑप्शन एक और दिया गया है, और ये सब है सिविल लाइन इंदिरा नगर आगरा में आप रहते हो, नाम ये लिखा है कामिनी जो भी है, और कॉलोनी में
मेन कॉलोनी है और इसके अंदर मैन होल्स, अनकवर्ड मैन होल्स हैं और जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और आपको एक्सीडेंट्स के बारे में बताना है और लेटर लिखना है एडिटर को, नेशनल टाइम्स, ये कोई इसका न्यूज़पेपर होगा ये मान के चलें, और म्यूनसिपल कमिश्नर का जो अटेंशन है वो आपको ड्रॉ करनी है, उसमें आपको बताना है प्रॉब्लम्स, जो भी रेजिडेंट्स वहाँ रहते हैं उनकी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट लिखना है कि इस समस्या को सुना जाए। 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक लिखना है। चलिए फटाफट से जल्दी से हम ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। अब आप क्या हैं, अभी कितना कुछ मान लिया, कभी आप कामिनी बन जाते हो, कभी कीर्ति बन जाते हो, कभी आप स्कूल के क्या बन रहे हो, सेक्रेटरी बन रहे हो, तो ये सब बातें हैं। तो अभी देखिए आप क्या बनते हैं। एक आप मान लो ये रिपोर्टर हैं, आजकल ये न्यूज़पेपर है, और आपने विटनेस किया है क्या, एक कहीं झगड़ा हो रहा था, ग्रुप ऑफ बॉयज आपस में लड़ रहे थे कॉलेज गेट के बाहर सामने, और कोई इशू हो गया था, माइनर इशू था, और क्वारल जो था, झगड़ा जो चल रहा था वो बहुत बुरी तरह से बड़े उस तनाव में बदल गया, और बहुत सारे लोग बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और आप एक रिपोर्टर होने के नाते न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करने वाले हैं और इस झगड़े को अकाउंट करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, इसका रीज़न बताएंगे, और जितने भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में कुछ लिखेंगे जो भी आपको समझ में आएगा, और ये भी बताना है कमेंट में कि आजकल के बच्चों में, यूथ में बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हो गया है, लैक ऑफ टॉलरेंस है, तो इसके बारे में आप अपना पॉइंट रखेंगे। 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के बीच में ये आपको लिखना है, 10 मार्क्स का है, अब ये 6 मार्क्स का नहीं रहेगा, 10 मार्क्स का है, वेटेज बढ़ चुकी है, और इसके साथ ये ऑप्शन में रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान रहे एक ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका ये स्पोर्ट्स जो है, एज स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल राइट एन आर्टिकल फॉर स्कूल मैगनीज, के लिए आपने कुछ आर्टिकल लिखना है। मान लो आप स्कूल के क्या हैं, कैप्टन है स्पोर्ट्स में, सॉरी स्पोर्ट्स के कोई अच्छे गेम में आप पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छे प्लेयर के साथ साथ कैप्टन भी हैं, तो ये सभी जो है आर्टिकल आपको लिखना है। और नीड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन यंगस्टर लाइफ, आजकल के युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में आपको लिखना है अपना पॉइंट्स, और ऐसी जो स्पोर्ट्स होती हैं ये कैसे हमारे माइंड को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इसके बारे में अपने पॉइंट्स लिखने हैं, सुझाव लिखने हैं, और ये लिखना है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन हैं जिसमें हम ये इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर सकते हैं, माउंटेन हिल्स, रिवर्स, बीचेस, सब कुछ है, तो बहुत सारा स्कोप है स्पोर्ट्स के अंदर, ये सब बातें इसमें आ सकती हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इनके अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत सारे लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको भी स्पोर्ट्स के थ्रू हम फेस कर सकते हैं, और ये सब बातें हैं। तो और ये इसका इसमें बताया गया है नाम पता, रोहित है, अब हैप्पी पब्लिक स्कूल मथुरा के बच्चे हो, तो इस तरह से उसके बारे में लिखना है। 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के बीच में 10 मार्क्स कैरी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये ड्रग एडिक्शन का है, बच्चों में बहुत सारा आपने सुना होगा आजकल ये ड्रग एडिक्शन की बीमारी पनप रही है यूथ के अंदर खास करके, और जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनकी घर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन की वजह से, देखा होगा आपने भी, सुना होगा। और तो आपने एक स्पीच जो है स्कूल के लिए डिलीवर करनी है जो कि ड्रग अब्यूज़ और इसकी प्रिवेंशन के बारे में हमें बताती हो, तो ड्रग बच्चे क्यों ले रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ड्रग अब्यूज़ क्या है ये सभी, और किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप यू आर मोहित और मोहिनी आप मान सकते हैं अपने आप को, इस तरह से आपने स्पीच तैयार करनी है, और ये भी रहेगी 10 मार्क्स की, 150 से लेकर के 200 के वर्ड्स के बीच में लिखना है। आगे बढ़ तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक डिबेट लिखनी है, बतानी है जिसमें, या डिबेट करनी है जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो है हेरिडिटी जो होती है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, डिसीजिव फैक्टर होता है किसी के करेक्टर को समझने में, तो इसके बारे में ऐसा कुछ है, इसमें आप 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है, 10 मार्क्स का है। तो अभी बात करते हैं सेक्शन सी में जो कि लिटरेचर का है, टेक्स्ट बुक से लिया गया होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें इनके इसको पॉइंट ये लाइंस को पढ़ना है, पॉइम है एक तरह से, तो इसको पढ़ने के बाद इनके कुछ आंसर देने हैं। तो पहले तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये 4+4 8 मार्क्स का टोटल इसमें कैरी करेगा, तो ये 4 मार्क्स पहले इसमें बताए गए हैं।
तो ये जो पोइम है, नाम बताना है पोइम का, पोइट का, तो ये मैंने लिखा है कीपिंग क्वाइट पोइम है, और पोइट का जो नाम है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ इसमें, पैबलो नूराडा कुछ ऐसा नाम लिखा है, आप इसको प्लीज़ देख लें, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ से इसके आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर को घुमाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो ये पार्ट जो है आपको यहाँ से कुछ मिल जाएगा, बी पार्ट है, ये भी बी पार्ट 4 मार्क्स कवर करते हैं, तो ये आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट में देख लें, समझ लें। और ये जो चैप्टर का नाम रहेगा ये मैंने लिखा है यहाँ पे, डीप वाटर चैप्टर का नाम है और पोइट है, ये देख सकते हैं आप, विलियम डॉगलस ऐसा कुछ नाम है, डॉगलस कुछ नाम है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और ये क्वेश्चन नंबर 8 टोटल वेटेज रहेगी 10 मार्क्स, 2 × 5 लिखा है। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स की जो वेटेज रहेगी वो है 2 मार्क्स, 30 से लेकर 40 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। ये इसके क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लें, आई होप आपने बहुत अच्छे से इनके आंसर दिए हों। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम थोड़ा सा नज़र इसमें लगाते हैं, देखते हैं इनको, 120 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना पड़ेगा इनके आंसर, और ये 6 मार्क्स का है टोटल। ये देखिएगा जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑप्शन भी मिलने वाली है आपको, और ये देखिएगा अब आ जाता है पेज नंबर 10 में, हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। ये देखिएगा 6 मार्क्स इसमें वेटेज है, ये क्वेश्चंस आप ध्यान से आपने देख लिया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस में या उनके आंसर में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई मिस्टेक है, तो प्लीज़ अपना पॉइंट रिस्पेक्ट के साथ इस मंच पे, इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करें मन से, दिल से, और आप अच्छा करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।